कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और वैदिक और मैं जा रहे हैं वैदिक के स्कूल। हम लोगों को जो पीटी है मैं वो एक्चुअल में आज है, कल नहीं थी। देखो वैदू, नमस्ते करो सबको। नमस्ते, कैसे हो दोस्तों? हाँ, सब अच्छे हैं दोस्तों। नमस्ते। चलो आ जाओ। मैं पहुंच गई हूँ वैदिक के लिए, स्केटिंग के लिए। और आज वैदिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। वैदिक आया है फर्स्ट और ए ग्रेड उसको मिला है। और बस मतलब अभी तो बच्चों का एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, एग्ज़ाम्स नहीं होते अभी फर्स्ट तक। तो अभी तक परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो फर्स्ट था। सिंसियर चाइल्ड है मेरा बच्चा क्लास में। और बस अभी हम लोग स्केटिंग के लिए आए हैं, मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, तो इस बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आते हैं। और अब जैसे बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं ना, फिर से दोबारा से मुझे कफ हो गया है। एक्चुअल में इसमें कफ नहीं होता, ये जो वायरस है इसके अंदर आपको खांसी होती है। जब आप बोल रहे होते हो ना तो आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आती है। आप खुद देख रहे हो मेरा कितना लंबा चल रहा है, और होती जाएगी, ठीक है। मैं इस चीज़ को, मैं मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेने वाली हूँ, बट बेस्ट पार्ट ये है कि फ़ीवर नहीं हुआ है, और फीवर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सूखी खांसी है वो चलती है। और मुलेठी भी ले रही हूँ मैं, और मैंने आपके साथ में जो शेयर की थी ना एक सूखी खांसी के लिए सिरप, वो आप ज़रूर लेते रहो, उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मतलब उससे मेरा कफ निकल रहा है, जो भी अब सिर्फ गले के उपास ही है। पहले कफ निकलता था छाती से, है ना, आप जब खांसते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि पेट से कफ निकल रहा है, जिस छाती से खींच रहा है। अब जो मेरे को खिंचाव फील होता है ना वो सिर्फ यहाँ पे होता है और कहीं नहीं होता। तो मुझे लगता है ये भी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगी खांसी मेरी। और अभी हमारा जो प्लान बन रहा था ना वो थोड़ा सा डिले हो गया है। लेट्स सी हम लोग कब तक जा पाते हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो जब भी जाएंगे आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी, बट ये नहीं बताऊँगी कहाँ जा रहे थे। अभी हमारा वैदिक का स्केटिंग चल रहा है, मेरी एक्सरसाइज डन हो गई है और मैं वेट कर रही हूँ उसका। आज उसको पता नहीं है, मैं छुप के बैठी हूँ ताकि उसको ना, वो एक्चुअली जब मैं उसके सामने बैठती हूँ ना तो वो एक्सरसाइज ठीक से नहीं करता, तो मैं अभी आज थोड़ा सा छुप के बैठी हुई हूँ।